नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरु जी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग, होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो आई एम राइट नाउ हियर विद द परफेक्ट 9 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट एंड ईएसई 2023। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आपको आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है वो दबा दो, ताकि आपको सारे के सारे हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जल्दी जल्दी। सर, वी विल बी अ फैमिली ऑफ 12,000 पीपल, सो डेफिनेटली गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो इफेक्टिवली एक्चुअली 9 मंथ इज लेफ्ट बिफोर गेट 2023, दैट इज इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम मे टू फेब, बेसिकली 9 मंथ इज लेफ्ट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल 5 to 6 पॉइंट्स दैट यू मस्ट keep in mind to follow actually in the upcoming months, okay? तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। The first thing is actually to maintain a routine, that's a very very important thing। अब सर रूटीन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, that is you know you must fix the number of hours that you have to deliver daily। Now that is definitely going to vary। सर आप इनिशियली सर समझ लो कि अगर आप लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हो, ऑल दिस थिंग्स दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट, और कॉलेज गोइंग और कोई जॉब जाने वाले भी लोग हैं जो, उनके लिए आराम से दिन में 4 घंटे देना बहुत ही ईजी है अगर आप चाहते हो रियली डिटरमाइंड हो तो। फालतू एक्सक्यूज मत देना मुझे कि सर हाँ मेरे को टाइम नहीं मिलता है, सर मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था कभी, मेरे को भी बहुत सारे जर्नी वर्नी करना पड़ता था कॉलेज वाले जाने के लिए। और मैं देखा हूँ कई सारे लोग जो जॉब करते करते सर साइट इंजीनियर बन के भी प्रिपरेशन किए थे, बट स्टिल दे आर एबल टू गिव 4 hours, इट्स पॉसिबल टू गिव, सो डोंट ट्राई टू गिव मी सम ब्लेम एक्सक्यूजेस, राइट। द पॉइंट इज कि 4 hours जरूर आपको देना है। एंड इफ यू आर अ पास आउट और सर रिपीटर हो, आप घर में बैठे हो सर, कोई काम नहीं है आपके और दूसरा, तो डेफिनेटली ट्राई टू, यू हैव टू अपियर फॉर लाइक नो मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, बट डेफिनेटली आपको 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना है। हाँ जी, ये तो मिनिमम सर, मतलब इतना पढ़ना है आपको, ओके। अब सर कैसे पढ़े, अगर आप लाइक 8 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 4 स्लॉट में डिवाइड कर लो, 2 आवर 2 आवर 2 आवर 2 आवर। नाउ दिस 2 आवर विल बी डिपेंडेंट अपॉन यू, नो वट इज देयर टू सेट यू, आई कैन से दैट ओके फाइन। जैसे कि मेरा जो 4 आवर्स था वो था एकदम से 6 से 8 बजे सुबह और फिर रात को 10 से 12 बजे, बीच का टाइम जो था कॉलेज एंड कॉलेज के क्लासेस एंड ऑल दिस स्पेंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें था मेरे टाइम पे, या फिर लाइक 9 से 11, 9:30 से 11:30 समथिंग लाइक दैट वॉज देयर, एंड सुबह 6:30 से 8:30, तो ये 4 घंटा था। अब ये आपके लिए दूसरा कोई 4 घंटा हो सकता है, फॉर यू इट मे बी फ्रॉम 7 to 9 एंड फ्रॉम से इन द नाइट इट्स 8 to 10, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। सपोज यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स, देन डिवाइड द एंटायर 8 hours इन टू स्लॉट्स ऑफ 2 hours 2 hours, इट्स मच मोर बेनिफिशियल देन कंटिन्यूअसली स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज से फॉर एग्जाम्पल यू आर यू नो यू प्रेफर टू स्टडी एट नाइट, आपको अगर ऐसे मतलब होता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, अच्छा सर बेटा सुबह ही से पढ़ा होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है सर, सबका अपना अपना होता है ये चीजें। सो आपको अगर रात में लाइक टाइम मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है, एक सर शांत सी माहौल लोगों को चाहिए होता है ऑल दिस थिंग्स, तो एनीवेज सो यू कैन स्टडी एट नाइट एज वेल। सो आपको मान लो लाइक सुबह आप 9 बजे उठ रहे हो, फाइन, सो 9 to 11 आप पढ़ रहे हो, या फिर 9 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो उसके पहले सारे काम करके 9 to 11। After that, suppose the second slot is from say, you know, like 1 to 3. After that, you are taking a nap. Okay, then again say 6 to 8, and at night say it's 9 to 11, something like that. After that, a little bit of relax, or say, you know, 6 to 8 ke baad, for example, say 10 to 12, something like that. Okay, but it's up to you. But definitely try to set a routine and a fixed number of hours. In an academy app also, you know, like those people who are plus and iconic subscribers. Aaj hi main bata raha tha. By the way, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार मैंने टेलीग्राम चैनल में बेसिकली टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लेना। एक बहुत ही मस्त मैंने वीडियो बनाया एक क्लास में एक्चुअली, दैट वाज ऑल द फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो सबके लिए है, मतलब फ्री यूजर पेड यूजर सबके लिए, ताकि बहुत बहुत सारे अननोन सीक्रेट हिडन फीचर है ऐप में जो आपको काफी सारा हेल्प करता है, जो आपको पता ही नहीं है, वो आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हो। जरूर वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल में वो क्लास का लिंक जो है वो दिया हुआ। नेक्स्ट द सेकेंड थिंग इज योर फाइंड द सब्जेक्ट्स इनिशियली ऑफ योर लाइक प्रेफरेंस, कौन सब्जेक्ट सर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सब्जेक्ट बुरा लग रहा है, और सर सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर।
उसके लिए आप हमारे वेटेज वाला जो सेशन है, स्ट्रेटेजी वाला सेशन है, वो भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन वॉच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल दिस थिंग्स. प्रीवियस ईयर में गूगल में भी आपको कहीं पर मिल जाएगा that what are the respective weightage. For example, for civil engineering, if you say the higher weightage topics are like geotech, environment, and like, you know, transport and all these things. So try to cover those subjects first actually. इस subjects को सर पहले cover करने की कोशिश करूँ. ये जो 9 month का time है, if I divide it, this 9 month in terms of like 4 + 2.5 + 1.5. कितना हो रहा है सर? 4 + 2.5 + 2.5. ये हो रहा है सर पूरा का पूरा 9. या 4 + 3 + 2 भी कर सकते हो. लाइक 4 + 3 + 2 ऑल्सो यू कैन डू. या आई थिंक दैट्स फाइन. 4 + 3 + 2 दिस फर्स्ट 4 months विल बी टोटली डेडिकेटेड टू दो सब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू यील्ड यू वेरी हायर वेटेज और जिसको पढ़ना भी ज्यादा होता है और वेटेज भी ज्यादा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जियोटेक, एनवायरमेंट, हाईवे, ट्रांसपोर्ट मेनली, ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ. लेकिन डेफिनेटली आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे कभी भी एक सब्जेक्ट मत पढ़ना. कभी कभी नहीं सर. सो देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ एंड एप्टी सेशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर रोज फ्री मैथ और एप्टी सेशन में ले रहा हूं. सारे के सारे चीजों का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. डेफिनेटली अटेंड करना. बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे मैथ और एप्टी अगर प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो. शुरू से बार बार बता रहा हूं, बी केयरफुल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट एक्चुअली कि आप जैसे ये मैथ एंड एप्टी तो कर ही रहे हो पैरेलली रिलैक्सेशन के लिए. लाइक एप्टी इज जस्ट लाइक रिलैक्सेशन. आपका पढ़ाई भी हो जा रहा है सर और रिलैक्सेशन भी हो जा रहा है. तो आप हाईवे वगैरह करो सर, जो भी है जियोटेक, नो एनवायरमेंट, पैरेलली सर मैथ एप्टी का सेशन. दो घंटे आपको मैथ एप्टी करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा. 45 मिनट 1 घंटे का सेशन होता है, उतना ही करो. बाकी टाइम आप गैप दे के हाईवे के क्लासेस करो, राइट. या दूसरा कोई सब्जेक्ट अगर हो सकता है वो करो. हाईवे का 1.5 घंटे का क्लास देखे, एनवायरमेंट का 1.5 घंटे का क्लास देखे, 3 घंटे हो गया. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए और एप्टी 4 घंटे हो गया सर. समथिंग लाइक दैट. इन दिस फैशन यू हैव टू डू. सो द पैटर्न इज वेरी सिंपल. अटेंड द लाइव क्लास ऑफ आवर्स ओवर हियर. आफ्टर द लाइव क्लास अगेन सर, सिर्फ फ्री क्लास देख के नहीं होगा. मैं आपको पहले अभी से लिख के दे रहा हूँ सर. ओके, अगर आप सिर्फ फ्री क्लास देख के बहुत यू नो लाइक चाहते हो कि सारे के सारे आपको लाइक आंधी तूफान जो भी आ जाए हो जाएगा, नहीं होगा सर. मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ. फ्री क्लास इज फॉर दोज पीपल हु हैड ऑलरेडी डन द कोर्स. उनके लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए सर अच्छी बात है ये. मैथ एप्टी इज अ सेपरेट थिंग. वो क्योंकि एप्टी में सर प्रैक्टिस ही होता है, मैथ में प्रैक्टिस ही होती है मेनली. बट द अदर थिंग्स एक्चुअली लाइक आप अगर बिना किसी किए लाइक अचानक से प्रैक्टिस सेशन में आ गए और आपको ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो शायद गलत कर रहे हो. ओके, एंड द फ्री सेशंस आर मेनली टू फॉर्म द बेसिक्स. जो भी सर बेसिक्स चीजें होते वो भी, जैसे कि अभी मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में ही है, आप देख सकते हो उसका. आई हैव टेकन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन अराउंड 10 आवर्स आई गेस. और मैं 3 जून से प्लस में मेरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है, वेयर आई विल टेक जियो टेक फॉर 80 आवर्स. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस 10 वर्सेस 80. सो ऑब्वियस बात है. द थर्ड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंड द लाइव क्लासेस. आफ्टर दैट फॉर्म द शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैंने एक वीडियो बना दिया जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, या फिर जस्ट सर्च कर लेना यूट्यूब पे शॉर्ट नोट्स अनिरुद्ध सर, यू विल गेट इट. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, शॉर्ट नोट बनाने के बाद, शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको सर एक प्रॉपर अगर नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा सर. प्रिंटेड एकदम मतलब प्रॉपर जो नोट्स होता है सर, PDF या फिर प्रिंटेड जो भी है, वो भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर देगा अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो. अगर नहीं हो तो आपको खुद से बनाना होगा, कहीं से भी जुगाड़ करके वो बनाओ सर, डोंट वरी. फाइन, तो वो बनाने के बाद सर बेसिकली शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको करना होगा सर PYQ. PYQ भी आपको अनअकैडमी ऐप में मिल जाएगा. कैसे मिलेगा वो सब वो ऐप वीडियो में मैं बता चुका हूँ. फ्री जो यूजर है उनको भी मिलेगा सर PYQ. उसके बाद आता है प्रैक्टिस क्विज, वो भी वहां पे मिल जाएगा. वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको दूसरे कहीं पे भागने की जरूरत ही नहीं है. सब कुछ एक ही ऐप में मिल जाएगा, एवरीथिंग. हो गया, ये 4 स्टेप कर लिया आपने. क्लास, शॉर्ट नोट, प्रीवियस ईयर क्विज, कंप्लीट. 1 चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर अगेन. ठीक है, बीच में थोड़ा गैप मिला, एप्टी का फ्री सेशन अटेंड कर लिया. इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली गुरु, अदरवाइज नहीं होने वाला. टेलिंग द नेक्स्ट थिंग इज दैट बेसिकली दैट इज द टू फाइंड आउट द करेक्ट मटीरियल. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर. एक मटीरियल प्रॉपर आपका आपके पास होना चाहिए. लाइक जो भी हो सर, नोट्स वगैरह ऑथेंटिक होनी चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. Please don't go for like huge textbooks and all these things. This is just going to ruin your preparation for 9 months, last 9 months. Absolutely. Okay, no. Kabhi bhi sir, koi bhi agar doubt ho raha hai, definitely. Us doubt ko sir, aap hum tak pahunchane ki koshish kijiye through the Unacademy app. Wahan pe doubt clearing feature hai direct.
वहां पे पोस्ट करिए डाउट, विद इन 2 आवर्स आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा बता चुका हूं ऑलरेडी वीडियो में, उस वीडियो को देख लेना जरूर। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल में भी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सारे अपडेट्स वहीं पे मिलेगा सिंस। ओके, द नेक्स्ट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डोंट कीप योर डाउट्स विद इन यू। इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस लाइव एक्चुअली, उस डाउट्स को जरूर जरूर सर क्लियर कर लो। और जो मैंने आपको बता रहा था ना 4+3+2, उस फर्स्ट 4 मंथ में सर जो ह्यूज हाई वेटेज टॉपिक्स उसको कवर कर लो, जो उसके बाद 3 मंथ है उसमें सर वो टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो वेर लाइक द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू यील्ड लोअर मार्क्स सर, जो यील्ड करने वाला, जो जिसमें से कि सर कम मार्क्स आ रहे हैं, वैसे टॉपिक्स को टारगेट करो और उस टॉपिक्स को सर पढ़ो। अगर मान लो आप देख रहे हो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि जिसका वेटेज भी कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप रिपीटर वगैरह हो, तो तब तो आप मेरा सजेशन ये है कि आप पूरा कंप्लीट करो सब्जेक्ट को। लेकिन अगर मान लो आप रिपीटर नहीं हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली वेट फॉर माय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो व्हिच इज गोइंग टू कम लाइक इन ऑगस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो देयर बेसिकली, और उसके पहले मैं बनाने कोशिश करता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डिमांडिंग दैट वीडियो फ्रॉम मी। एक्चुअली हर साल मैं बनाता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो, तो एटलीस्ट कवर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दोज सब्जेक्ट्स विच इज गोइंग टू यील्ड लोअर मार्क्स बट द सिलेबस इज ह्यूज, राइट। तो पहले कौन सा टॉपिक जिसका हायर वेटेज है, जिनका सिलेबस भी बड़ा है, उसके बाद जिनका लोअर वेटेज है लेकिन सिलेबस भी छोटा है, फॉर एग्जाम्पल सर्वेइंग, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन एज ए टॉपिक्स, राइट, फॉर सिविल मैं बता रहा हूँ। पैरेलली मैथमेटिक्स चल रहा है सर आपका, मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं हो रहा, 30 मार्क्स 28 मार्क्स लाइक उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें से 28 में से अगर आपका 20-25 आ जाता ना, तो आपका कन्फिडेंस, आपका रैंक अलग ही लेवल पर चला जाएगा सर, समझ लो। 28 में अगर आपका 25 आ जाता है, तो बाकी 72 में से अगर आप 45 लाते हो, तो आपका मार्क्स 70 आ गया। 70 मार्क्स अगर आप ग्रेड 2023 में लाते हो ना, आपका रैंक अंडर 500 आएगा। अंडर 500 क्या सर, और भी कम आ सकता है सर, बिकॉज MSQ NIT बहुत सारे आने वाले। ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस, यस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर गाइस टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक्स। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ब्रेक लेके पढ़ाई करना बिल्कुल एट अ स्ट्रेस सर, बहुत सारे पढ़ाई एक साथ बिल्कुल मत कर लेना सर। ओके, द प्रॉपर गाइडेंस आई एम गिविंग एक्चुअली, डेफिनेटली एक ब्रेक, इवन इफ सपोज अगर आप लाइव क्लास में हो तो वो अलग बात होता है, क्योंकि आप बेसिकली फैकल्टी के साथ कनेक्टेड रहते हो हमेशा, राइट। आप कुछ इंटरेक्ट कर रहे हो फैकल्टी के साथ, कुछ डाउट पूछ रहे हो, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इफ यू आर वॉचिंग द क्लासेज इन अ रिकॉर्डेड मोड और से समथिंग लाइक दैट, एक्चुअली यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस, तो कभी कभी लाइक आप खुद ही हो सर उस टाइम पर, राइट। तो नींद ना जा सकते कभी कभी लाइक चलो यार दूसरे काम कर लेते, कुछ ऐसा चीज आ जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव ब्रेक्स, सपोज इवन यू नो 1.5 आवर क्लास यू आर वॉचिंग ऑन योर ओन, ट्राई टू लाइक 45 मिनट्स यू वॉच, 5 मिनट का ब्रेक ले लो सर, या फिर थोड़ा एनालाइज करते रहो वो 5 मिनट। ओके फाइन, हमने जो पढ़ा है सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन गाइज। जो मैंने 4+3 मंथ भी बताया ना आपको, ये नेक्स्ट 3 मंथ में ऐसा नहीं है कि जो पहले 4 मंथ में आप पढ़े हो वो सब आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं है सर। ये नेक्स्ट 3 मंथ में आप सर वो लोअर वेटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ पहले जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो इनिशियली, मेजर टॉपिक्स इन द फर्स्ट 4 मंथ्स, उसका मॉक टेस्ट देते रह रहे हो सर आप। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो वो अलग बात है, लाइक आप अगर कोई दूसरी जगह में पैसा आपका बर्बाद करना चाहते हो तो करो, लेकिन एटलीस्ट मॉक टेस्ट अनअकैडमी के जरूर जरूर ले लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100+ आपके पास मॉक टेस्ट मिलेगा फुल। एंड अबव ऑल, लास्ट जो 2 मंथ है ये आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस में ही डालना है। यू हैव टू टोटली इन्वेस्ट योर लास्ट 2 मंथ्स, दैट इज योर लाइक डिसंबर जनवरी काइंड ऑफ थिंग, टोटली टू योर प्रैक्टिस। जो पढ़ना हुआ सर दिसंबर के पहले तक हो गया, छोड़ दो अभी सर, सिर्फ जो आगे पढ़ोगे वो प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ोगे सर, प्रैक्टिस ओनली। अबव ऑल वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू पीपल स्पेशली अ 9-month कोर्स ओनली, जो कि सिर्फ ये 9 मंथ का पूरा आपका लाइक पैसा वसूल हो जाएगा आपका, लाइक इट्स बोथ अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस इट्स अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन द कोर्सेस एनी टाइम।
by following the link. If you have any doubt regarding the courses, how to take subscription and all these things, how to get the maximum discounts, everything is linked, everything is written in the description. Just fill the Google form. And okay, and also you can just, you know, directly DM me on Instagram on how to take the course. But guys, trust me, the best value for money is right now the 9-month course, because you are not paying anything extra. Kuch log sir aise sochte honge jo kuch din pehle bhi subscribe kiya, sir main 12 mahine ke liye subscribe karunga lekin exam to 9 mahine dur hai to 3 month ka paisa main extra de raha hu, something like that. Ab sir wo bhi nahi hai. 9 month ka fees hai only 28,000 rupees after the application of the code ANR 10. Don't forget to join an academy before it gets too late. Course join नहीं करोगे सर तब आपका ये जो भी मैंने रूटीन वाला चीज बताया ना ये मेंटेन नहीं होता है सर मेंटेन. मैं बहुत देख लिया सर पिछले 4 साल में. By the way सर मेरे सेशन में एक 4-year स्पेशल सेशन भी आ रहा है कि ask me anything, because I have recently just completed 4 years of on teaching, actually on gate teaching basically. तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन आपके लिए रख रहा हूँ. सो very soon we'll be meeting in that particular session. Okay, so don't forget to join me live in those sessions. Or live sessions mein mujhe join karne ke liye kya karna hai, subscribe kar lena sir channel ko, aur telegram channel ko zarur zarur join karna, that's a very very important thing. Okay, kuch log sir telegram channel ke sath ek issue bhi ho raha tha, kuch log apne aap dekh rahe the ki main telegram channel se bahar chala ja raha hu. Okay, I have received some kind of messages also, something like that, but please be careful. ताकि यार आप लोग कोई साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है कुछ लाइक बग्स एंड स्पैमर्स तो होते ही ऐसे सब जगह में, तो आप सर जरूर जरूर वापस उस चैनल में ज्वाइन कर लेना. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग. 9-month कोर्स जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे ज्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं होगा. आप अगर ANR10 कोड लगा के ये ज्वाइन करते हो तो आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. Take care guys. Thank you for being here for so long. Apart from all the other faculties. तो मिलते हैं आपसे. इस strategy को follow करना. Get 2023 में जरूर result मिलेगा.